उसको एलर्जी थी खाने से और दवाई लेते कोई आराम नहीं आता, कोई चीज खाती और खांसी हो जाती। अच्छा, खाने पीने की एलर्जी थी। खाने पे आप जी से प्रार्थना करवाई थी, आप तही से मतलब क्या नाम जावलदार जी के घर पे बंद की थी उस दिन पिछले साल, तो आपने इसकी प्रार्थना की उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। और धड़कन भी नहीं पता चल रही थी, आपने उसी दिन बताया था, ये अभी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि कुछ जो खाते थे खान से एलर्जी थी खाने से? हाँ जी, जो खाते से उससे उल्टी भी होती थी, खांसी होती बहुत ज़्यादा, खांसी हो जाती थी, उल्टी भी हो जाती थी। जैसे घर में कोई परांठा बना लिया तो ये देखती रहती थी भी मेरे को कोई दे नहीं रहा है, रोती थी। फिर हमने कुछ नहीं बनाते थे इसके लिए, दवाई भी लेते, कुछ नहीं, आराम आया। फिर आपसे प्रार्थना करवाई उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं परांठा भी नहीं देते थे? हाँ जी, नहीं नहीं परांठा भी नहीं देते थे, जैसे अपने सब्जी में तड़का लगाते हैं वो भी खा ली सब्जी तो उससे खांसी हो जाती थी। ओके, तो खाने से एलर्जी थी? हाँ जी, कोई चीज। और जब इसके लिए प्रार्थना हुई उसके बाद बिल्कुल ठीक है जी, सब कुछ खा लेती है? हाँ जी। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह जी ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और इस भाई को निमोनिया हो गया था और इन्होंने प्रॉफिट सुमनदीप से प्रार्थना करवाई और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हैं। जेम्सी के मैंने कई दिन हो गया बुखार चढ़ रहा था, खांसी आ रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत थी, तो मेरी बड़ी लड़की ने सुमन पास्टर भैया को प्रार्थना भेजी और उसके बाद भैया ने प्रार्थना की, उसके बाद मैं बिल्कुल चंगा हूँ। और डॉक्टरों ने बोला था भर्ती कराना पड़ेगा भैया, आपके सांस में दिक्कत है, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह जी ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।